लो आ गया अब तो शाम, मैं शरण तेरी। बोलिए बोलिए। लो अब तो शाम, मैं शरण तेरी, 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 ओ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। कौन कौन शरण में आया है? कौन कौन? भूल जाओ सब कुछ। कौन कौन? भूल जाओ कि आपका कोई है, सिर्फ और सिर्फ है तो हमारा बाबा है। पूरे हाथ उठाना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, क्या लो आ गया अब तो शाम, मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो शाम, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, अरे जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना, बोलो जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना, डर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, डर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी, जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, लो आ गया अब तो शाम, मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम, मैं शरण। बोलिए हारे के सहारे की जय हो, जय जय। बहुत अच्छे। एक बात बताऊं, जो नहीं आया है उसे आना पड़ेगा इसकी शरण में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था बरबरी को कि मैं तो श्याम के नाम से जाना जाता हूं, कलयुग तेरे नाम करता हूं, तुझे अपना नाम देता हूं, मैं श्याम के नाम से जाना जाता हूं, कलयुग में लोग तुझे श्याम बाबा के नाम से जाने। और तूने अपनी मां को वचन दिया है कि हारे का सहारा बनूंगा, वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, कलयुग में जो हारेगा
उसको तुम्हारे दरबार में जीत मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी हारता नहीं है। भगवान राम आए उनको भी हारना पड़ा, कृष्ण आए उन्हें भी हारना पड़ा, भगवानों को भी हारना पड़ा, क्योंकि मनुष्य रूप में थे, है ना। इसलिए जो हारेगा उसे शरण में आनी पड़ेगी, और जो शरण में आएगा उसका काम बनेगा। अगर विश्वास है तो मीठी मीठी तालियां बजाना। मुझे था मिले दुखों से आया हूँ हार करके, बोलो। मुझे था मिले दुखों से आया हूँ हार करके, थक सा गया हूँ बाबा जग को पुकार करके, थक सा गया हूँ बाबा जग को पुकार करके, एक आस दिल में मेरे बाकी है शाम तेरी, एक आस दिल में मेरे बाकी है शाम तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम। हो सकता है कई लोग सोचते हो कि सब अपने अपने देव को पूजवाने की बात करते हैं, है ना। सब कोई अपने अपने कुल देवता को पूजवाने की बात करते हैं, कई लोग ऐसा उसे सोच सकते हैं, लेकिन श्याम बाबा मेरा कोई कुल देवता नहीं है। मेरी सात पीढ़ियों में भी कोई नहीं जानता था बाबा को 25 साल पहले, और आज आपको बता देता हूं कि ये वो बाबा है कि चाहे तकलीफ हो चाहे आराम हो, एक ही नाम निकलता है, बाबा तू है और तेरे सिवाय कोई है नहीं। और आपको बता दूं, इस बाबा के दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार कि दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, और चंद मिनटों के अंदर में बाबा ऐसा कमाल कर देता है। चरणों की धूल दे दे मुझको भी है दयालु, बोलिए। मुझको भी है दयालु, भटका हूं जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो मालू, भटका हूं जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो मालू, ऐ हर्ष तू बता दे किस बात की है तेरी, ऐ हर्ष तू बता किस बात की है तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। देखिए भजन खत्म हो गया, मैं चाहूंगा सारे मिलकर गाएं, पूरा अयोध्या अपार्टमेंट गाए, और इस अयोध्या अपार्टमेंट में सिर्फ अयोध्या वाले ही नहीं है, बहुत से अपार्टमेंट के लोग बैठे हैं जिन्हें हम रोज कीर्तन में देखते हैं। सारे हाथ उठाना पूरे पूरे और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, क्या बोलो अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, सांचे दरबार की। बाबा का दरबार ऐसा है, एक प्रेमी था बाबा का जिसको कोई औलाद नहीं थी, बच्चा गोद लिया। 15 साल बाद ज्योतिषों ने कहा कि इसकी जब शादी करोगे तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक को दिखाया, दो को दिखाया, 10 को दिखाया,
प्रसाद के लिए लोग उठने लग गए। देखिए हाँ ठीक है, एक निवेदन रहेगा कि जब आप जाएं तो भजन खत्म हो उसके बाद जाइएगा, भजन के बीच में कम से कम मत जाइएगा। दस ज्योतिषों को दिखाया, दस के दस ने कह दिया किस लड़के की शादी करोगे तो उसके बाद इसकी जिंदगी बचाना मुश्किल है, लेकिन वंश को चलाने के लिए वो भी किसी की गोद लिया हुआ बच्चा उसकी शादी कर दी। ज्योतिष विद्या ने काम दिखाया, शादी के चार महीने बाद, शादी के चार महीने बाद पेट में पेनक्रियाज फट गई, कलकत्ता के अपोलो हॉस्पिटल में डाल दिया गया। डॉक्टरों ने पेट खोलकर छोड़ दिया और कहा कि समय गिन लो, एक सेकंड आपका, एक मिनट आपका, एक घंटा आपका और एक दिन आपका, यहां रखना हो यहां रखो, पैसे हो तो यहां रखो, पैसे नहीं हो तो घर ले जाओ, क्योंकि इसको बचाने वाला अब शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर भगवान की कोई कृपा हुई तो वो भी बड़ी मुश्किल है। बाबा के, श्याम बाबा के गले में, बाबा को रोज लाखों लाख बागे चढ़ते हैं पूरे साल में, कोई लाख रुपए का बागा बना कर ले जाता है पोशाक, कोई 50,000 का, कोई 2 लाख का, कोई 5 लाख का, लेकिन एक वस्त्र ऐसा है आपको बता दूं जो खाटू के बाबा के दरबार में कीर्तन में बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ कीर्तन करना मकसद नहीं है, मकसद हमारा यह है कि लोगों को बाबा से जोड़ना, कि बाबा हमारा क्या है, सिर्फ कीर्तन करना या ऑर्केस्ट्रा बजवा देना ये मकसद नहीं है हमारा। अगर आप बाबा से दिल से नहीं जुड़े तो कीर्तन करना बेकार है। ये बाबा क्या चीज है इसको सुनो। बाबा के गले में एक वस्त्र ऐसा होता है सिर्फ इतना सा, जो कि बासंती कलर का वस्त्र होता है, और 365 दिन बाबा के गले में लिपटा रहता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, 365 दिन बाबा के गले में लिपटा रहता है और एक ही दिन चेंज होता है, बसंत पंचमी के दिन, और उस वस्त्र में इतनी ताकत है कि दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो जाएं। वो वस्त्र का टुकड़ा उस श्याम प्रेमी को मिला, किसी श्याम बाबा के प्रेमी ने डरते डरते उससे कहा कि तुम ये वस्त्र इसके गले में बांध दो। उसने कहा कि पूरा पेट खुला है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कहां बांधेंगे, डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे हैं, आईसीयू के अंदर में पेशेंट है। उसने कहा कि तकिए के नीचे रख दो। वस्त्र तकिए के नीचे रखा गया और बाबा सामने है, कसम बाबा की झूठ नहीं कहता, अगर झूठ कहूं तो मेरा बुरा से बुरा हो, बाबा सामने है, मैं उस बंदे को जानता हूं, मेरे बगल मकान में रहता था वो बंदा, 10 साल पहले की घटना, जिस दिन तकिए के नीचे वो वस्त्र रखा गया, दूसरे दिन से तबीयत सुधरने लगी और 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि हमें लग रहा है कि कोई चमत्कार हो रहा है, हम इसे फिर एक बार ओटी में ले जाएंगे और शायद ओटी में कुछ काम बन जाए। आपको विश्वास दिलाऊं, डॉक्टरों ने ओटी में लेकर गए, डॉक्टर फेल हो गए, ज्योतिष फेल हो गए, लेकिन मेरा बाबा फेल नहीं हुआ। वो लड़का खड़ा हो गया, आज तक चल रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है, उसका बच्चा हुआ, लड़का हुआ, वो लड़का पहले जय श्री श्याम बोलता है, उसके बाद कोई काम करता है। आपको बताऊं, 20-20 साल तक जिनको 20-20 साल तक जिनकी कोख नहीं हरी हुई, बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा को जो बागा पहनाया जाता है उसमें एक सूता धागा होता है, एक डोरी होती है जिसको नेफा बोलते हैं, वो नेफा लेकर आए लोग, जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसके पेट पर बांध दिया, और आपको विश्वास दिलाऊं कम से कम 8-10 केस तो हमारी जानकारी के अंदर में है, जिनको 20-20 साल तक बच्चा नहीं हुआ उनको डोरी बांधी और 9वें महीने बाबा की कृपा से लड़का हो गया, लड़की हो गई, बाबा ने उनकी गोद हरी कर दी।